ओम शांति। आज 15 सितंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2001। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा स्वयं और बाप को प्रत्यक्ष करो। बाबा जो नवयुग रचता है, सब बच्चों को देख रहे थे कि दुनिया में नया वर्ष मनाया जा रहा है और आप बच्चों के सामने नवयुग के नज़ारे आ रहे हैं। नए वर्ष में सब एक दो को मुबारक देते हैं, गिफ्ट देते हैं। आप बच्चे एक दूसरे को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट दो, यही सच्ची मुबारक है। जब आप दूसरे को शुभ भावना देते हो तो सामने वाले की कैसी भी भाव और भावना क्यों ना हो, वो परिवर्तित हो जाती है। आप स्वभाव में रहो, अर्थात शुभ भाव में रहो, आत्मिक स्वरूप में टिक कर आत्मिक भाव रखना, यही शुभ भावना है। ये मुबारक सबको देते जाओ। इस मुबारक के साथ साथ इस नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे बाप दादा? इस वर्ष को सफलता भव का वरदान देते हैं, सफल करो, सफलता पाओ। इस वर्ष में हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने बचत का खाता बनाना है। जो भी खजाने मिले हैं उनकी बचत की स्कीम बनानी है। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वास का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, इन खजानों को बचत करो, वेस्ट नहीं करो। चेक करो जमा कितने किए। बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी जो चेकिंग वाली मशीन है वो ठीक है? वो मशीन ठीक होना बहुत ज़रूरी है। विशेष संकल्प का खजाना, इसका जितना हो सके महत्व बढ़ाओ। जैसे रॉकेट होता है, कितनी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है, ऐसे संकल्प शक्ति के महत्व को जान। दूर बैठी आत्माओं को भी अपनी संकल्प शक्ति से सहयोग दो। मनसा सेवा करो, ये सेवा अब फास्ट होनी चाहिए। यहाँ बाबा ने हर एक बच्चे को अंडरलाइन कराया कि बाप दादा अपने ग्रैंडसन्स को एक बात कहते हैं कि सदा रूहानियत से आपका चेहरा भरपूर हो, आपके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट हो, मुख में मधुरता हो, बुद्धि सदा रहम दिल हो, हर एक के प्रति रहम की भावना, कल्याण की भावना इमर्ज रूप में हो। समय, प्रकृति सब पूछते हैं, अब आपको एवरेडी बनना है। एवरेडी का बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने बताया, आपका हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प वाह वाह हो। वाई नहीं, वाह वाह। क्या, क्यों, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य का मात्रा नहीं, सदा वाह वाह। ऐसा वाह वाह होगा तो उसको कहेंगे एवरेडी ब्राह्मण आत्मा। सावधान किया बाबा ने, आप बच्चों को अलबेले नहीं बनना, अलर्ट बनना है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई कि इस नए वर्ष को बाप दादा सफलता भव का वरदान देते हैं। जो जितना सफल करेगा उतना सफलता मूर्त बनेगा। सुनते हैं बाबा के व्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में बैठकर सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को नोट करेंगे, रिवाइज करके बाबा को अपना चार्ट देंगे। मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नववर्ष मनाने आए हैं।
नववर्ष मनाना, ये तो विश्व में सभी मनाते हैं। आप सब नवयुग बना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो नवयुग आया कि आया? दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है, आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। पूरा ही संगम युग नया युग है। नववर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग याद आ रहा है ना? नया वर्ष मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग याद आ रहा है ना? नया युग याद है कि आज के दिन फिर नया वर्ष याद है? बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नववर्ष मनाने के लिए आए हो। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, एक दूसरे को शुभ भावना की मुबारक दो। ये सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो स्वयं भी खुश होते हो, दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक क्या है? एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट। दिल से एक दूसरे को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना, अच्छे भाव ना भी हो, पर आपकी शुभ भावना उनका भाव बदल सकती है। आपकी शुभ भावना उनका भाव बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वयं आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, आप सबको शुभ भावना दो। कोई आपको क्या भी दे, आप शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में, सर्व में और सेवा में। अपने में, सर्व में, सेवा में। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपनी नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष इशारा देते हैं। समय प्रमाण सब बच्चों को, चाहे साकार में सम्मुख बैठे हो, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हो, देख रहे हो, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, सब बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सारे विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा इशारा देते हैं। अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनाए। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले उन खजानों की बचत, जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फॉरेनर्स भी जान गए, महारथी भी जान गए। जमा का खाता जितना होना चाहिए, क्या कहें, आप खुद ही बोलो। बाप दादा जानते, सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ संगम है,
सभी खजाने जमा करने का समय अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है कौन सा, अब नहीं तो कभी नहीं, पीछे क्या है अब नहीं तो कभी नहीं, ये स्लोगन दिमाग में बहुत याद है, लेकिन दिमाग में याद में भूलता भी है याद भी रहता है। बड़े से बड़ा खजाना, ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार संकल्प का खजाना। नोट करेंगे सभी खजाने कौन से हैं, बड़े से बड़ा खजाना, ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना वो तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हरेक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें भी और अंडरलाइन करना होगा। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है कि आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। आपके संकल्प में इतनी शक्ति है, आप अपनी संकल्प शक्ति से बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पे पहुंचाना चाहे एक सेकंड में पहुंचा सकते हैं, आपके शुभ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है, रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अभी अंतर्मुखता की बट्टी में बैठो, संकल्प शक्ति का महत्व समझो, अंतर्मुखता की बट्टी में बैठो। तो इस वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की बट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। बाप दादा प्रत्यक्षता से पहले इस वर्ष को सफलता का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है, सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। हर ब्राह्मण के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मुहूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती हैं, सुनना कम चाहती हैं, अनुभूति ज्यादा चाहती हैं। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा का खाता। अनुभूति का आधार क्या है, खजानों का जमा का खाता। अब सारे दिन में बीच बीच में अपना चार्ट रखो, सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो, एक मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, चेक करने की मशीन तो आपके पास है या नहीं, आपके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ही चेकिंग मशीन है, डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है, पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है, कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहा ऑफिस खोलते हो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने से पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूं। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता है कि ब्राह्मण तैयार हैं, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है, समय ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनूं,
जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो। अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में नोट करेंगे, अपने को चेक करेंगे। अब ऐसे एवरेडी बनो जो हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो। वाई वाई नहीं, वाह वाह। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह की बजाय वाई हो जाता, कोई समय बिंदी लगाते, कोई समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लग जाती। आप सबका मन भी कहीं वाह, जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वो कौन सी? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो, हर चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द में मधुरता के बिना ना हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, मन बुद्धि में शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, मन बुद्धि में शुभ भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर कर सकते हो, टीचर्स कर सकते हो, यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही थी। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुणा मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है। अनुभव भी अच्छे किए, बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। और अब इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना, अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, अपने रूहानी अनुभवों को आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। रूहानी अनुभवों को आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ या नहीं आओ, 3 मास के बाद, फॉरेन से तो आएंगे नहीं। अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना, बाप दादा राइट करेगा या जो होगा वो परसेंटेज देंगे, ठीक है? हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है तो खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं, आपको तो ताज मिलेगा, इनको अभी मिल गया। खड़े हो जाओ, बाबा ने बच्चों को खड़ा किया। देखो ताजधारी ग्रुप, देखो बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्चे दिल वाले हो ना, अच्छा है। बच्चों के रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, इनके पत्र और चिट्ठियां भी देखी, उमंग की चिट्ठियां भी हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई कोई में है, कोई में बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। बाप दादा को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता, दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता। जो बाबा को अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं करेंगे, ये पक्का वायदा करेंगे। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा बच्चे अलबेले हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वो भी दिन आना है, जल्दी आना है, आना है ना, वो दिन आने वाला है, आएगा वो दिन। तो कहा जल्दी जल्दी आएगा, हाँ जी तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं, इतने हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, ऐसे है ना, फॉरेनर्स में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल है, ठीक है ना। ये सिंधी परिवार वाले बोलो क्या कमाल करेंगे, निमित्त मात्र सिंधी हैं, पर हैं तो ब्राह्मण,
क्या करेंगे बोलो? उन्होंने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे? उन्होंने कहा इस वर्ष में। आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं, आपका वरदान साथ में है। वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है, वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो, जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते, आए पीछे हैं पर जाना आगे है, आगे बढ़ो। जो सब आपको देख करके खुश होए, सबके मुख से शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है, ऐसी हिम्मत है। पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना, नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सब बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया, टू लेट से पहले आ गए। अभी फिर भी इस हाल में बैठने की सीट तो मिली ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना, और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। इसने फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये बहुत अकल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर, भविष्य मेकर, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, अपने कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंडसन्स को, बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक। नमस्ते रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया। बाप दादा ने देश विदेश के सब बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी, चारों के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई, नए वर्ष की बधाई के संगम पर, संगम समय पर विदाई भी है बधाई भी है। तो सदा सफल हैं, सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिक्के लधे, अति प्यारे, अति मीठे नैनो के नूर हो, सब नंबर वन बनना ही है, इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुणा अरब गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, सभी को बाबा ने डायमंड मॉर्निंग कहा। वरदान है सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, माय जीत भव, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, माय जीत भव। जो बच्चे स्थूल काम के साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवरेडी रहते हैं, ये सेवा का उमंग उत्साह सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं, जो सेवा में बिजी हैं माया से बचे रहते हैं, माया भी देखती है इनको फुर्सत नहीं तो वो वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। इस लोगों ने ज्ञान योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान योग को नेचर बनाओ तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप से 6:30 से 7:30 तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएंगे और संतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति देंगे। मनसा सेवा करें। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, सभी खजानों को सफल करना है। विशेष संकल्प का खजाना, फुल अटेंशन देना है, अपने मस्तक में सफलता का तिलक चमकता देखेंगे। संगम का समय अमूल्य समय है, ये सभी खजाने समय, संकल्प, श्वास, सबकी बचत करनी है, एक एक खजाने को सफल करना है। ना दिल शिकस्त होना है, ना अलबेला बनना है,
बड़े दिल वाले बनना है। बाबा से वायदा करें, आपका बनकर अब हम इन खजानों को सफल करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, महसूस करें जो भी आत्मा सामने आ रही है, हम सबको गिफ्ट दे रहे हैं, शुभ भावना की गिफ्ट, यही सच्ची मुबारक है। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब सुखी हो जाएं, सभी मुस्कुराएं, सबके चेहरे पर मुस्कान हो, मुख में मधुरता हो, मन बुद्धि रहम दिल हो। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में हम सुनेंगे कि दुनिया वाले आज दिन तक हमारी कौन सी एक बात नहीं भूले। ये रहस्य जानने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।